अस्सलाम वालेकुम, हेलो टू माय व्यूअर्स, वेलकम टू महक क्लासेस। आज हम लोग बनाएंगे वड़ा पाव। वड़ा पाव बनाने के लिए पहले हम लोग एक चटनी बना के लेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने गैस पे पैन रखा है। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कोकोनट। ये हमारा ड्राई कोकोनट है, हम लोग यहाँ पे कोकोनट डालेंगे। गैस ऑन है, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे डालेंगे हमारा गार्लिक लहसुन, ठीक है। थोड़ा सा लहसुन है, ये 2 टेबलस्पून जितना कोकोनट है, 8 से 10 कलियां लहसुन की है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप जितना ग्राउंडनट्स, मूंगफली। सबको हम थोड़ा सा भून लेंगे। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भूनना है हमें। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना सॉल्ट, 1 टेबलस्पून जितना रेड चिली पाउडर। इन सबको हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये रोस्ट हो गया है, मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा करेंगे। फिर हम इसको जार में डालकर थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारी चटनी रेडी है, मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो ये है हमारी वड़ा पाव की चटनी। यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्ची ली है, थोड़े से लहसुन की कलियां और थोड़ा सा जिंजर, अदरक का टुकड़ा है, मैं इनको पीस लेती हूँ दरदरा। तो अब यहाँ पे हमारा ये ग्रीन मसाला भी रेडी है, इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अब हम यहाँ पे बैटर बना के रखेंगे। यहाँ पे मैं 1 कप ग्राम फ्लोर बेसन ले रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं राइस फ्लावर ले रही हूँ 2 स्पून जितना, ये हमारा राइस फ्लावर है। बस सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फिर मैं यहाँ पे लूंगी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। फिर यहाँ पे 1/2 टीस्पून जितने अजवाइन ले रही हूँ मैं, ठीक है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका एक पानी डालकर घोल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा 1/4 चुटकी जितना लेना है, ठीक है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है हमें, ज्यादा नहीं, 1/4 टीस्पून जितना। अब हम इसको मिक्स करके रख देंगे। हमारी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज्यादा लिक्विडी ना ज्यादा थिक, ठीक है। ये हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है, 1/2 टीस्पून जितना मैं जीरा डाल देती हूँ। यहाँ पर थोड़े से मैं करी लीव्स डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो मत डालो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ये हमारा ग्रीन चिली लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ, ये हमने दरदरा पीस के रखा था। अब मैं यहाँ पे हमारे बॉईल किए हुए पोटैटो इसमें डाल देती हूँ। मैंने आलू को बॉईल करके रखा था,
उसको मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डालूंगी, थोड़ी सी 1/4 टीस्पून जितनी रेड चिली डालूंगी, पाउडर डालूंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रीन चिली डाला है। अगर आप रेड चिली पाउडर नहीं भी डालोगे तो चलेगा, मैंने बस थोड़ी सी 1/4 टीस्पून जितनी डाली है, ठीक है। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स कुतमी डाल रही हूँ मैं और इनको मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 1/2 लेमन जूस डाल दूंगी और फिर गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ। अब इनको एक प्लेट में डालकर ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो रहा है और ये हमारे पोटैटो ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इनके ऐसे बॉल्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इस बॉल को इस बैटर में डिप कर देती हूँ। फिर यहाँ पे हम इसको एक्सेस निकालेंगे, फिर इसमें छोड़ देंगे धीरे से। इसी तरह मैं हमारे सब बटाटा वड़ा को इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पे हम इसको धीरे से टर्न कर लेंगे, ठीक है। हमारा ये फ्लेम फास्ट नहीं है, स्लो पे है, इसको हम अच्छे से पकने देंगे, फास्ट पे नहीं रखेंगे, नहीं तो ये अंदर से पकेंगे नहीं, कुक नहीं होंगे अंदर से, इसलिए इसको हम स्लो रखेंगे, ठीक है। ये हमारे वड़े हमने टर्न कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे वड़े रेडी है, मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इसको एक प्लेट में एक पेपर पे निकाल लेती हूँ ताकि इसका ऑयल ये पेपर सूख ले। तो अब मैं यहाँ पे पाव लेती हूँ और इसमें से कट लगाती हूँ और यहाँ पे हमारी चटनी को फैला लेती हूँ। फिर मैं इसमें हमारा गर्मा गर्म वड़ा रख दूंगी और इसको तो यहाँ पे हमारा वड़ा पाव रेडी है। आप ये वड़े बनाकर देखो आपको कैसे लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर करना ना भूलिए। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।